हेलो, नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब काफी हद तक अच्छे होंगे और जहां होंगे मस्त एंड स्वस्थ होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं, आप ऑलरेडी थंबनेल पर देख ही चुके हैं। जी गाइस, अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट पर मोहर लगाना है, ठीक है, आपको मोहर का काम है और कहीं जाते हैं किसी ऑफिस में, वो आपको मोहर नहीं लगाते हैं, ठीक है, तो आप खुद से घर बैठे उनका मोहर लगा सकते हैं डॉक्यूमेंट पर, ठीक है। तो इस वीडियो का किसी तरह के गलत उपयोग नहीं कीजिएगा, अगर आप गलत उपयोग करते हैं तो इसका जिम्मेदार आप खुद होंगे, ठीक है। हम सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट पर किसी संस्थान का मोहर चाहिए, किसी ऑफिस का मोहर चाहिए और वो नहीं दे रहे हैं, तो आप खुद से ऑनलाइन लगा सकते हैं, ठीक है। मोहर वो इस तरह से देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ देख सकते हैं, इस तरह के डॉक्यूमेंट में आप इस तरह से आप घर बैठे ऑनलाइन मोहर लगा सकते हैं सिर्फ अपने मोबाइल से, ठीक है, किसी भी लैपटॉप से नहीं, सिर्फ मोबाइल से भी लगा सकते हैं बिना कोई एप्लीकेशन का। तो कैसे लगाना है, घर बैठे किसी भी संस्थान का मोहर आप खुद डॉक्यूमेंट्स में घर बैठे मोबाइल से लगा सकते हैं सिर्फ 5 मिनट के अंदर में। तो कैसे लगाना है हम इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फुल प्रोसेस बताते हैं आपको कैसे लगाना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। आप हर बैठे हर काम कर सकते हैं अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो, ठीक है, बहुत कम आएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। हाँ, तो आपको अगर किसी डॉक्यूमेंट पर मोहर लगाना है कहीं बिना जाए, यानी घर बैठे बिना कहीं जाए आपको लगाना है, तो आपको क्या करना है, अगर आप जो डॉक्यूमेंट्स में मोहर लगाना है वो डॉक्यूमेंट्स का PDF है तो ठीक है, रखे रहिए, ठीक है। अगर PDF नहीं है आपके हाथ में वो डॉक्यूमेंट्स है, तो उसको क्या करना है, PDF बनाने रहा है, ठीक है। और PDF कैसे बनाया जाता है आपको मालूम नहीं है, तो YouTube पर सब बहुत सारा क्या है, वीडियो है PDF बनाने के लिए, ठीक है। आप PDF बना सकते हैं वीडियो देख के, ठीक है, वरना आप क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर जाइए, हम बता देते हैं शॉर्टकट में, आपको डॉक्यूमेंट्स स्कैनर ऐप नाम के उसको डाउनलोड कीजिए और फोटो खींचे उसको, जैसे आप उसमें सेलेक्ट कीजिएगा PDF बनकर रेडी हो जाएगा, ठीक है। PDF बनकर रेडी होने के बाद हम क्या बताते हैं प्रोसेस, वो सुनिए, ठीक है। PDF चलिए बन गया, ठीक है। अगर आप किसी संस्थान का या बैंक का या किसी हॉस्पिटल का या किसी सरकारी संस्था का, तो आपका मोहर चाहिए, ठीक है, मोहर लगाना है। अब वो क्या करना है, अगर उस संस्था का आपको मोहर मालूम है कि कैसे लगता है मोहर, उसका मोहर का जो लोगो है आपको मालूम है, ठीक है, यानी चित्र आपको मालूम है कैसे लगना है, तो ये प्रोसेस आपको क्या करना है, आपको जाना है, यहाँ देख सकते हैं एरो का यहाँ ऑप्शन दिख रहा है, इस पर एरो पर वीडियो का लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और हम बताए हैं मोहर कैसे बनाना है, ठीक है। और आपको उस संस्थान का मोहर मालूम है तो आप यहाँ वीडियो देखकर आप क्या कर सकते हैं, मोहर बना सकते हैं, ठीक है। अगर मोहर मोहर मालूम है अगर किसी अदर के पास वो मोहर किसी पेपर पर लगा हुआ है, ठीक है, तो आपको मोहर बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा उस बंदा का क्या करना है, उस डॉक्यूमेंट्स का मोहर पर सिर्फ फोटो खींच लेना है, ठीक है, आपका जो मोहर है उसका सिर्फ फोटो खींच लेना है, कुछ इस प्रकार के यहाँ देख सकते हैं, इस प्रकार का मोहर का फोटो खींच लेना है, ठीक है। और जाना है रिमूव BG, इतना लिखकर सर्च कीजिएगा तो वेबसाइट ओपन होगा रिमूव BG करके, ठीक है, उस पर क्या करना है, उसका रिमूव कर लेना है बैकग्राउंड, और सिंपल सा इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से मोहर का आ जाएगा रिमूव होकर, उसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, इस तरह का मोहर आपका बन जाएगा, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं। अगर किसी के पास नहीं है मोहर का लगा हुआ मोहर, किसे मांग नहीं सकते, तो सिंपल सा मोहर आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है, इतना प्रोसेस हम बता दिए, ठीक है। अगर आप खुद से मोहर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, यहाँ वीडियो चल रहा है, आप देख सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मोहर कैसे बनाए, आप क्या कर सकते हैं, उस संस्थान का मोहर बना सकते हैं। चलिए मोहर बना लिए, ठीक है, हम मान लिए आप मोहर बना लिए, या किसी का मोहर है किसी डॉक्यूमेंट पर लगा, उसका फोटो खींच कर क्रॉप करके आप रिमूव BG कर लिया, यानी उसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिए कुछ इस प्रकार का, तो आप रिमूव कर दिए और वो डॉक्यूमेंट्स क्या करना है, उस डॉक्यूमेंट का PDF तैयार रखना है, ठीक है। या आपका PDF ऑलरेडी मोबाइल में है तो ठीक है, और वो क्या करना है, एक वेबसाइट पर आना है, ठीक है, एक वेबसाइट पर आना है, और वेबसाइट पर आने के बाद वो क्या लिखना है, PDF एडिटर, इतना लिखकर सर्च करना है, जैसे इतना लिखकर आप सर्च कीजिएगा ना, तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है, जैसे सर्च कीजिएगा नीचे स्क्रॉल करना है, आपका कभी कभी 1 नंबर पाएगा या 3 नंबर पाएगा, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं सेजदा हेल्प्स विथ योर PDF टेक्स्ट, तो इजी टू यूज ऑनलाइन PDF एडिटर, ये वेबसाइट पर क्लिक करना है, ठीक है, इसी वेबसाइट पर क्लिक करना है, सेजदा क्या करना है, सेजदा नाम से आएगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पर क्लिक करना है,
और इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरह का ओपन हो गया है। ठीक है, तो सिंपल से यहाँ दिख रहा है अपलोड पीडीएफ फाइल, तो सिंपल से इस पर क्लिक करना है और क्लिक करते हैं यहाँ फाइल का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ फाइल पर क्लिक करना है और वो पीडीएफ है वो सिलेक्ट करना है। तो सिंपल से आप फाइल पर क्लिक करके पीडीएफ सिलेक्ट करते हैं। तो पीडीएफ सिलेक्ट करने के बाद सिंपल साइज प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पीडीएफ ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर और इस तरह से इंटरफेस ओपन रहेगा। तो वो कहना है हमारा, हम यहाँ मोहर लगाना चाहते हैं, यहाँ देख सकते हैं यहाँ मोहर लगाना चाहते हैं, तो हम कैसे लगाएंगे यह बताते हैं। ठीक है, तो आपको भी पहले मोहर का व्यवस्था कर लेना है। ठीक है, कहीं से जैसे बताएं उस प्रकार का व्यवस्था कर लेना है। ठीक है, तो क्या करना है हमको मोहर सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ क्या करना है, यहाँ मेल, यहाँ गैलरी का ऑप्शन है तो इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ न्यू इमेज, यहाँ इस पर क्लिक करना है और यहाँ देख सकते हैं गैलरी ओपन हो जाएगा, आपको सिलेक्ट करना है। तो अब जैसे मोहर सिलेक्ट कीजिएगा इस तरह से मोहर आ जाएगा, तो आपको क्या करना है इस पर एक बार टच करना है मोहर पर और इस तरह से ऐसे लाना है और इसको क्या करना है छोटा करना है, इस एरो पर क्लिक करके और इसको छोटा करके इधर साइड में लाना है। आपको क्या करना है तो एडजस्ट करना है ऐसे, यहाँ देख सकते हैं और जहाँ पर आपका सिग्नेचर मोहर लगता है वहाँ पर इस तरह से फिट कर देना है। तो चलिए हम यहाँ इस तरह से फिट कर देते हैं, इस तरह से फिट कर दिए। ठीक है, और इसको क्या करेंगे ऐसे इस तरह से फिट हो गया हमारा। अब क्या करना है इसको, इसको सेव करने के लिए सिंपल सा यहाँ अप्लाई चेंज पर क्लिक करना है। ठीक है, अप्लाई चेंज पर क्लिक कीजिएगा तो सिंपल सा कुछ इस तरह से आ जाएगा, योर डॉक्यूमेंट्स इज रेडी। तो आपको क्या करना है यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, यहाँ डाउनलोड अगेन पर क्लिक करना है, डाउनलोड कर, डाउनलोड करते हैं यहाँ इस प्रकार का पीडीएफ ओपन हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं इस तरह से पीडीएफ ओपन हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं मोहर लग चुका है। तो आपको क्या करना है, आपको ये सर ये तो ऑनलाइन में लग गया है, तो आपको क्या करना है सिंपल सा इसको किसी साइबर कैप के पास जाके इसको प्रिंट, रंगीन प्रिंट करा लेना है। ठीक है, रंगीन में जैसे प्रिंट कराइएगा तो मोहर जैसा का तैसा आपको रहेगा उस पर। ठीक है, और कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है, आपका जो काम है वो हो जाएगा आसानी से। ठीक है, तो ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पस के कारण है, तो आप अगर इससे हैं गलत फायदा उठाते हैं तो इसका आप जिम्मेदार खुद होंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।